एक बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर एक भगदड़ मच गई है, जिसमें 9 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी यह है कि बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई और इसमें 8 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म 1 पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया यह भी गया कि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई थी और यही वजह भगदड़ मचने का एक बड़ा कारण इसको लेकर यह सामने आया। हालांकि जो लोग जख्मी हुए उनकी संख्या 9 बताई गई, उन्हें अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। भीड़ ज्यादा हुई और उसके वजह से ये भगदड़ मच गई। विजय देसाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है, कैसे ये भगदड़ मची? ये बांद्रा टर्मिनस है, बांद्रा टर्मिनस के वांद्रे गोरखपुर एक्सप्रेस थी, वो 5 बजे यहाँ पे आने वाली थी, जब 6:15 बजे यहाँ पे आ गई हो तभी वहाँ पे पूरी भगदड़ मच गई और वहाँ अनबन हो गई। और उसके बाद यहाँ पे भगदड़ होने के कारण 9 जन यहाँ पे घायल हो गए हैं और यहाँ 9 जन में से 2 जन की हालत बहुत बुरी तरह है, उनको बांद्रा के भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनके ऊपर इलाज शुरू है। जो गंभीर जख्मी हो गए हैं उसका नाम शबीर अब्दुल रहमान है, दूसरा जो है परमेश्वर सुखदार गुप्ता है, उनकी परिस्थिति स्थिर है, रविंद्र हरिवर चुमा जो एक है और राम सेवक रविंद्र प्रसाद प्रजापति है, उनकी भी प्रकृति स्थिर है, संजय तिलक। लेकिन विजय, क्या कारण रहा यहाँ पर, कैसे इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 लोग ऐसे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या ये 9 का आंकड़ा बढ़ भी सकता है ज्यादा तादाद अगर वहाँ पर हो तो? अभी तक जो जानकारी मिली है वहाँ पे सिर्फ 9 जन घायल हुए ऐसी जानकारी मिल रही है और बाकी जो लोग है उनके ऊपर इलाज भी शुरू है। ठीक है, ये बड़ी खबर विजय वहां से जानकारी दे रहे हैं कि भगदड़ मच गई, ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2 लोगों की हालत इसमें बहुत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि 9 लोग इसमें जख्मी हुए और 2 की हालत इस वक्त गंभीर है, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया।